नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy M21 versus Samsung Galaxy S03s का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy M21 में 6.26 इंच जबकि Galaxy S03s में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy M21 में 2.96 इंच जबकि Galaxy S03s में 2.99 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy M21 में 0.35 इंच जबकि Galaxy S03s में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy M21 में 192 ग्राम्स जबकि Galaxy S03s में 196 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy M21 में Super AMOLED जबकि Galaxy S03s में TFT LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy M21 में 19:5:9 जबकि Galaxy S03s में 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy M21 में 6.4 इंचेस जबकि Galaxy S03s में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy M21 में 1080x2340 और Galaxy S03s में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy M21 में 84.02% जबकि Galaxy S03s में 81.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy M21 में 403 पिक्सल प्रति इंच जबकि Galaxy S03s में 270 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy M21 में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Galaxy S03s की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें की वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy M21 में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Galaxy S03s की बात करें तो उसमें 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy M21 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 6 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और Galaxy S03s में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy M21 में Mali G72 MP3 जबकि Galaxy S03s में Power GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy M21 में Samsung Exynos 9 Octa 9611 और Galaxy S03s में MediaTek Helio P35 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy M21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB की RAM मिलती है जबकि Galaxy S03s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy M21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि Galaxy S03s में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy M21 में अप टू 512GB जबकि Galaxy S03s में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है।
बैटरी गैलेक्सी M21 में 6000 mAh जबकि गैलेक्सी A03s में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो गैलेक्सी M21 में 2 कलर्स जबकि गैलेक्सी A03s में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी M21 में 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 14,499 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें गैलेक्सी A03s की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 11,499 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी M21 आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी M21 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी M21 आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो रेनो 6 है जो कि 31,890 रुपए में मिलता है। दूसरा रियलमी नाजो 50A है जो कि 11,499 रुपए में मिलता है। तीसरा सैमसंग गैलेक्सी A12 है जो कि 15,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी C25Y है जो कि 11,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।